Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Welcome to the online class 10th class. Umeed hai aap khairiyat se honge. और बेटा हमने अभी लास्ट आपके लेक्चर में जो है वो पजल आदमी आदमी से मिलता है कि एमसी दूजे वो करने यानी हल करने शुरू किए थे जिसके तकरीबन दो चार एमसी जो बच गए थे वो भी आज इंशाल्लाह करते हैं. उसके बाद फिर हम अपने फर्स्ट चैप्टर पे जाएंगे यानी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो यानी नजरिया पाकिस्तान जो आपका चैप्टर है तो उसको इंशाल्लाह उसके एमसीक्यू भी करेंगे. जो आपको यानी घर में जो असाइनमेंट दी है जिसमें एमसीक्यू थे वही एमसीक्यू हम यहीं पे करेंगे. उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपके जो सिलेबस में से कुछ मजामीन जो है एक दो ही है मेरे में ये तीन है वो भी इंशाल्लाह उसके बाद हम करेंगे. आज हम सबसे पहले गजल दिल आदमी आदमी से मिलता है. गजल आदमी आदमी से मिलता है उसके मारूजी दुरुस्त जवाब पर गुड यानी टिक का निशान लगाना निशान लगाएं. ठीक है तो लास्ट हमारे एमसीक्यू का वही से आगे चलते हैं. मेरे पीछे सात महीने किए थे अगर तो आठ है कि महबूब की हंसी का रंग किससे मिलता है. महबूब की हंसी का रंग किससे मिलता है. फूलों से कलियों से वंचों से या फिर रंगों से. महबूब की हंसी का रंग किससे मिलता है. फूलों से कलियों से ऊंचों से या फिर रंगों से. तो हमने क्या पढ़ा था कि शायद कहते हैं कि आज क्या बात है कि महबूब की हंसी का रंग जो है वो फूलों से मिलता है. सही जवाब क्या है फूलों से मिलता है. आगे देखते हैं समझते हैं कारोबारी का याद समझते हैं कारोबारी हयात कारोबारी तजारत कारोबारी दुनिया या फिर कारोबारी जहां. ठीक है कि समझते हैं क्या समझते हैं कारोबारी हयात कारोबारी तजारत कारोबारी दुनिया या फिर कारोबारी जहां. तो सही ऑप्शन यह है कि समझते हैं कारोबारी जहां. ठीक हो गया. आगे देखते हैं जिगर मुरादाबादी की गजल का माफस है. जिगर मुरादाबादी की गजल का माफिज है क्या है. अच्छा माफिज कहते हैं किस्मत की यही गजल किसमें से ली गई है. आतिशी गुल दाग जिगर आतिशी गुल दावे जिगर
Sholay tul tul yabin sholay tul yabin kul yabin jadah. जिगर, ठीक है, यानी जिगर मुरादाबादी की ये गजल कहां से ली गई है? आतिश गुल से, दावे जिगर से, शौले तौर से या फिर कुलियाती जिगर से? तो सही जवाब क्या था कि जिगर मुरादाबादी की ये गजल ली गई है कुलियाती जिगर से। आगे देखें, महबूब की खुशकामती का सिलसिला किससे मिलता है? महबूब की खुश कामती का सिलसिला किससे मिलता है? ठीक है, सरों के पौधे ऊंचे पहाड़ से, सरों के पौधे ऊंचे पहाड़ फितना क़यामत आसमान से, या फितना क़यामत से आसमान से, या इतने क़यामत से? ठीक है, महबूब की खुशकामती का सिलसिला किससे मिलता है? सरों के पौधे, ये पौधे ऊंचा दरख्त होते हैं, उससे, ऊंचे पहाड़ से, आसमान से, या फिर कितना क़यामत से? तो क्या था शेर का मिसाल, क्या था कि आज क्या बात है प्रवादी महबूब के, क्या कहते हैं, महबूब की खुशकामती का सिलसिला क्या है, किससे मिलता है? कितने क़यामत से, यानी महबूब के ऊंचे घर को कैसे तस्वीर दी थी? क़यामत के लंबे दिल के साथ, जैसे महबूब का लंबा कद है, तो शायद कहते हैं कि मेरे महबूब का लंबा कद है, ऐसे ये जैसे क़यामत के एक बहुत बड़ा दिन होगा उसके साथ तस्वीर दी है। ठीक है, इसको अगर देखें, महबूब की हंसी का मिलता है गुलन से, सबरते हैं कारवाले जहां, जिगर मुरादाबादी की गजल का माफज है, यानी ली गई है ये गजल कुलियात जिगर से, और महबूब की खुशकामती का सिलसिला मिलता है कितने क़यामत से। आगे है, महबूब के साथी से मिलने का शायर पर क्या असर होता है? इसका नंबर था महबूब के साथी से मिलने का शायर पर क्या असर होता है? ठीक है, महबूब का सर्दी से मिलने पर शायद का शायर पर क्या असर होता है? खुशी से बुरा नहीं समाता, खुशी से ओला नहीं समाता, सतम भूल जाता है, नशा छा जाता है, या फिर गम भूल जाता है।
और भूल जाते हैं। ये महबूब की सादगी से मिलने का शहर पर क्या असर होता है? खुशी से भूला नहीं समझता, स्तंभ भूल जाता है, नशा छा जाता है, या फिर अगम भूल जाता है। तो सही जवाब यह था कि महबूब का सादगी से मिलने का शहर पर असर होता है कि वो महबूब के जो गम होते हैं वो क्या कहते हैं, भूल जाता है। ठीक है बेटा, ये होगी हमारी गजल आदमी आदमी से मिलता है। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ और उसके जो है एमसीक्यू को हल करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो बनता है आपका नजरिया पाकिस्तान। ठीक है, तो नजरिया पाकिस्तान की अपन देखते हैं एमसीक्यू। वैसे तो उसकी रीडिंग वगैरह सब कुछ हो गया था, जो बुक में उसके एमसीक्यू थे वो हमने कर लिए थे, लेकिन कुछ जो एडिशनल एमसीक्यू जो हमने बनाने हैं जैसे आपके पेपर में आने हैं तो उनको भी हम जो है यहीं पर ही सॉल्व करते हैं ताकि हमारे लिए वहां पर आसानी हो। ठीक है, तो सफर नजरिया पाकिस्तान और हमने क्या करना है, दुरुस्त जवाब पर का निशान लगाएं। नंबर एक क्या है, मुसलमानों ने हमेशा को अपना शहर बनाया, मुसलमानों ने हमेशा खाली जगह को अपना सेवा बनाया। किसको अपना सेवा बनाया, मसावात रवादारी अदल इंसाफ, मसावात रवादारी अदल इंसाफ। ठीक है, कि मुसलमानों ने हमेशा किसको अपना सेवा बनाया, मसावात रवादारी अदल या फिर इंसाफ। तो ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन सही जवाब क्या है कि मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना सेवा बनाया है। आगे जब कुफर इल्हाद अपना हासिल करना चाहता है, दो है जब कुफर इल्हाद अपना हासिल करना चाहते हैं तो मुसलमान इसके लिए डट कर खड़ा हो जाता है, तो मुसलमान इसके लिए डट कर खड़ा हो जाता है। ठीक है, चार ऑप्शन आएंगे, जहीरुद्दीन, शाह जहां, अकबर या फिर गलबा। ठीक है, क्या है कि जब कुफर इल्हाद अपना क्या हासिल करना चाहते हैं तो मुसलमान इसके लिए खड़ा होते हैं, जहीरुद्दीन, शाहजहां, अकबर या फिर चौथा ऑप्शन है गलबा। तो सही जवाब क्या है कि जब कुफर अपना एक सेकेंड, ये जो एमसीक्यू जो है इसकी नंबरिंग ये गलत होगी, जब कुफर अपना हासिल करते हैं कंट्रोल तसल्लत, वो मिक्स हो गई थी जरा, कंट्रोल तसल्लत कब्जा लिया,
कब सर या फिर गलबा। तो जब कुफर अपना गलबा हासिल करना चाहते हैं, पहले वाले वो ऑप्शन ये वाले जो चार ऑप्शन थे ये गलत हो गए थे। वैसे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा सही जवाब तो आ गया था, गलबा ही था, उसमें मैंने टिक कर भी ली थी, लेकिन वो जरा मुनासिब नहीं बन रही थी इन ऑप्शन जो थे उनकी उनके साथ। तो अब सही है कि जब कुफर अपना इलाहाद हासिल करना चाहता है तो मुसलमान इसके लिए डट कर हासिल खड़े हो जाते हैं। कुफर अपना क्या हासिल करने के लिए, तो कुफर अपना गलबा हासिल करने के लिए। आगे है बादशाह की बादशाह के बाद बाजी जगह है बादशाह की बेजार रवादारी और मुल्की सियासत में बेजार रवादारी और मुल्की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल की वजह से के अमल दखल की वजह से मुल्क में कारखाना तौर तरीके राज हो गए, मुल्क में कारखाना तौर तरीके राइज हो गए। चार ऑप्शन कौन से बादशाह, अब वह वाले ऊपर ऑप्शन आएंगे कि जहीरुद्दीन अकबर शाहजहां या फिर आलमगीर। ठीक है कि बादशाह कौन से बादशाह की बेजार रवादारी और उनकी सियासत में हिंदुओं के अमल दखल की वजह से मुल्क में काफराना तौर तरीके राइज हो रहे थे। चार ऑप्शन है जहीरुद्दीन अकबर शाहजहां या फिर आलमगीर। तो कौन से बादशाह थे, अकबर बादशाह थे। अकबर बादशाह अकबर की बेजार रवादारी और मुल्की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल की वजह से मुल्क में तो काफराना तौर तरीके राइज हो गए थे, यानी कौन से बादशाह थे, बादशाह अकबर। आगे है मुसलमानों की आजादी खुद इनके मुसलमानों की आजादी खुद इनके के बाद खाली जगह मामलात में खत्म हो गई। ठीक है ऑप्शन क्या है, मुल्की कौमी हुकूमती या फिर देरी की कौमी हुकूमती या फिर दीनी। ठीक है कि मुसलमानों की आजादी खुद इनके मामलात में खत्म हो गई थी, कौन से मामला, इसके ऑप्शन क्या है, मुल्की मामला, कौमी मामला, हुकूमती मामला मामला या फिर दीनी मामला। तो सही जवाब क्या है, दीनी मामला, कि मुसलमानों की आजादी खुद इनके दीनी मामला में खत्म हो गई। ठीक है अब इनको एक दफा देख लें। ठीक है तो यहीं से इंशाल्लाह आगे हम आगे जो है वो भी हमारा टाइम ओवर हो गया, तो आगे हम यहीं से जो है कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।